जजमान, कन्याओं का मंगल सुमंगल नहीं है, कोई भी योग्य वर मिलना असंभव है। शुक्र और शनि तो अच्छे हैं, पर बुध की दशा उल्टी पड़ गई है। मेरी मानो तो कुछ जप तप करवाओ, ग्रह और नक्षत्र अच्छे होंगे तो कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। हरिओम। मैं इनकी माँ हूँ, कोई गैर चाची या मामी नहीं। बेइज्जती करवाने की भी हद होती है। दुनिया में ना तो सारे लड़के मर गए हैं, ना तो मेरी बेटियाँ इतनी गई गुजरी है। ये पंडित जी समझते क्या है अपने आप को? आज तक उनकी बताई हुई बात सच भी निकली है। आगरे से हरप्रसाद ने एक लड़के के बारे में लिखा है, कहते हैं लड़का बड़ा ही शरीफ है, पान सिगरेट तक का भी ऐब नहीं करता। लड़का करता क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं, नौकरी की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है? अरे काम का नहीं करता तो ऐप कहाँ से करेगा? लड़कियाँ कहाँ गई हैं? सनीमा देखने। क्या, किससे पूछ कर गई हैं? अरे मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि सनीमा मनमा मुझे पसंद नहीं। जवान लड़कियाँ हथेली पर रखा पानी होती हैं, जरा सी लापरवाही की नहीं कि पानी हाथ से निकला। अरे वो सनीमा नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये सरकार वाला है, क्या कहते हैं उसे, डाकू एंट्री, सोसाइटी में मुफ्त दिखा रहे हैं, वो देखने गई हैं। डॉक्यूमेंट्री? चाय में शक्कर कम डाला करो, महंगी हो गई है। किशन ने एक लड़का बताया, बंबई में ही है, देख कर आता हूं। कभी घर में बैठना भी सीखो। मामा, पिताजी मेरे लिए गुड़िया लाए? हाँ हाँ लाएंगे तेरे लिए गुड़िया, पहले तेरी बहनों के लिए गुड्डे तो ले आए। राम राम गुप्ता जी, कहाँ चल दिए? अरे तुम्हारे पास और कोई कामकाज है कि नहीं कि बस चल दिए रास्ते में लोगों को टोकने के लिए? गुप्ता जी, आप तो जानते हैं अपन तो न जोरू न जाता, खुदा से नाता। यूं क्यों नहीं कहते कि आगे नाथ ना पीछे पगा? जूता झाड़ के आना पड़ेगा। गुप्ता जी, आखिर बात क्या है? आखिर क्या इरादा तुम्हारा? ना जाऊं? अरे तुम्हारे जैसे मलूस पड़ोस में रहते हैं, इसलिए मेरी बेटियां कहां नहीं बैठी? तो लड़का देखने जा रहे हो, जाओ खूब जाओ। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ओए त्रिलोकी प्रसाद, अंदोराओ। अरे बंगाली बाबू, इस अंग्रेजी के जमाने में इतना लंबा त्रिलोकी प्रसाद कहने की बजाय छोटा सा टीपी बोल दिया करो, बस। जॉल वॉल लाऊं? ठंडा पिएगा? अरे साहब तो नहीं है घर में? जो भी तो तुमको बुलाया। अरे तो फिर लाओ ना ठंडा पानी। हाय, कोलकाता से चिट्ठी आ गया है। तो क्या लिखा है कलकत्ते वालों ने? तरीका देखने में अच्छा नहीं और उम्र भी ज्यादा लगती है। एक तो विधवा है, चार बच्चा है उसका, अगर कहे तो उससे बात चलाई जा सकती है। क्या यही सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? देखने में अच्छा नहीं है। अरे सारे मोहल्ले की लड़कियां मरती हैं मुझ पर, अगर रोज भी शादी करूं तो लड़कियां कम ना हो। एक बात कहूं त्रिलोकी, ये जो गुप्ता जी की लड़कियां हैं उनके लिए क्यों नहीं तुम चौकोर चलाता है? मैं चक्कर चलाऊं? उन्हें खुद दिखाई नहीं देता, सामने इतना अच्छा और कमाऊ लड़का है मगर जैसे उन्हें तो पूजनी ही दूसरी दहलीज। हाँ तो मैं कह रहा था गुप्ता जी, जी लड़की अच्छी होनी चाहिए, जी अच्छे स्वभाव की होनी चाहिए, जी और आपके लड़की का रंग तो साफ होगा ही, और हाँ लड़की का कद। बेटा राम बाबू, तुम्हारी लंबाई कितनी है? 5 फुट 1 इंच। हाँ तो बस 5 फुट होना चाहिए और वजन कुछ 40 किलो तक। क्या है लड़कियां जरा पतली अच्छी लगती है क्या? और हाँ लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और बाकी बात हमें दहेज तो नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत मिलनी चाहिए बस। हाँ, आप हमारा खानदान तो जानते ही हैं, आज तक किसी ने नाक पर मक्खी तक बैठी नहीं।
अरे हमारे बड़े बेटे की शादी में 50,000 रुपए नगद आए थे और ये तो पढ़ा लिखा है। बेटे के साथ फ्रिज टीवी तो लोग दे ही देते हैं, ये तो रिवाज है, वो आप संभाल लेना, हमारी तो कोई मांग नहीं। आपकी बेटी है ना? कितनी बार कहा है घंटी लगवा लो, पड़ोस में लोग रहते हैं नहीं रहते। अरे घंटी क्या मुफ्त में लगती है, घंटी लगवा लो, घंटी लगवा लो। कुछ बताइए भी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम खाना ले आओ। अरे मालती, अरे मीना, चलो चलो चलो, उठो उठो उठो, पिताजी आ गए, चलो 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 चलो। अब बताओ भी क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, लड़की भी सुंदर चाहिए और रुपया भी चाहिए 50,000। मेरी मानो तो तुम एक बार आगरा हुआ, वहां अपने बिरादरी के बहुत लड़के होंगे। अरे सब जगह एक ही बात है, ये क्या, ये दो सब्जियां किस खुशी मनाई हैं? एक से काम नहीं चलता, क्यों पैसा लुटा रहे तुली हो? ध्यान से देखो तो सही, ये एक सब्जी है या दो? मूली ली थी, मूली, मूली की एक सब्जी बनाई और पत्तों की अलग। माला मीना मलची सो गई क्या? सो गई होंगी, सभी लड़कियों की शादियां हो रही हैं, मगर हमारे लिए कोई लड़का ही नहीं मिलता। माला, क्या हम सुंदर नहीं हैं? जब मैं सिलाई सीखने जाती हूँ तो कितने ही लड़के मुझे देखकर सीटियां मारते हैं। चुप, बेशरम कहीं की, गुंडे हैं वो तो, कभी उनकी तरफ देखना भी मत। गुंडे तो हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। क्या, सिगरेट पीने से और बाल लंबे रखने से कोई गुंडा होता है? ऐसे तो कितने ही आदमी करते हैं। ठीक है, जो तेरे जी में आए कर, हमें क्या, तेरी ही बदनामी होगी, कोई शादी भी नहीं करेगा। अच्छा चलो सो जाते हैं अब। ओफो, मेरा खिड़की बंद कर दे, कितना बेशर्म है ये, रोज इसी वक्त गाने बैठ जाता है। हमारा तो खून जलता है और उसके इसी समय गाने की सोचती है। अरे जाना, जाती हूँ। कितना दिन निकल आया है, पता नहीं ससुराल में तुम्हारी कैसे निभेगी। चलो उठो ना। सुनो सुनो, देखो तुम्हारे पिताजी चिल्ला रहे, चलो जल्दी आ जाना, चलो। हाँ पिताजी। हरिओम हरिओम हरिओम, उठ गई तुम्हारी लाडली बेटियाँ? हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हो, कभी तो प्यार से बोला करो। ठीक है, प्यार से बोला करो। हरिओम हरिओम हरिओम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कभी पूजा पाठ भी किया करो, सीता जी को राम जैसा पति देवी देवता के पूजा पाठ से ही मिला था। हैं? ये लो। ये लो। वो बड़ी अभी तक सो रही है क्या? लो दूध पियो, लौटते वक्त राधे श्याम जी से मिलाना। अरे हाँ, रामलाल कह गया है 3 बजे कचेरी पहुंचना है। लाओ बेटे, राधे श्याम, रामलाल, कचेरी, न जाने कहां कहां जाना है। लड़कियां नए कपड़ों के लिए जिद कर रही हैं। अब नए कपड़े पहनकर कहां जाना उन्हें? अरे उन्हें समझा दो, माँ बाप के घर में ऐसे रहते हैं, ये शौक जाकर ससुराल में पूरे होंगे। यही रोना तो वो भी रो रही हैं, पता नहीं उनके भाग में क्या लिखा है, छोटी भी तो 24 साल की हो गई। अरे बता किसे रही हो, मालूम है मुझे? मालूम होता तो अब तक वो घर में थोड़ी बैठी रहती।
सुनो, मैं दया की माँ के घर जा रही हूँ। हरिद्वार वाले बाबा आए हैं वहाँ, तुम लोग तैयार होके वहीं आ जाना। बड़ी सच्ची बात बताते हैं, दया के ब्याह के बारे में 6 महीने पहले बताया था। बड़े पहुँचे हुए बाबा है। हाँ आ जाना तुम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुजी कुछ इनके लिए बताइए ना, ये बेचारी बहुत परेशान है। कन्याओं के लिए वर ढूंढना ही इनकी समस्या है ना। बहुत जल्दी ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली है। तीनों कन्याओं को योग्य वर मिल गए ही समझो। कंपनी के रेट 2 रुपए है। कंपनी के रेट 2 रुपए है तो भैया कंपनी जाए खरीद लो, यहाँ क्यों आए हो, जाओ। अरे राम राम गुप्ता जी। राम राम जी। राम राम। क्या हो रहा है भैया? दाल चावल बेचता था, दाल चावल बेच रहा हूँ। भाई सो तो है भाई, इन्हें पहचाना? हाँ जी। अरे वो अपने डॉक्टर सिंघल थे ना। अरे वही जो दिल्ली चले गए भाई, उनके साहबजादे हैं। विनोद यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर होके आए हैं। भाई बात सुनो, तुम कमरा देने की बात कर रहे थे ना, भाई इन्हें दे दो। अपनी बिरादरी के हैं, अकेले हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है। देख लो भाई गुप्ता जी, लड़का कमा रहा है, कमाऊ भी है, घर पर रहेगा तो बात बन जाएगी। अरे तीनों में से एक तो पसंद आएगी। अच्छा गुप्ता जी, मैं तो यहीं उतरूंगा। आप विनोद को अपना मकान दिखा दीजिए और जैसा हो आपस में तय कर लीजिएगा। अरे भाई रोको रोको रोको। अच्छा गुप्ता जी नमस्ते। अच्छा विनोद बेटे नमस्ते। चलो भाई। शिव प्रसाद जी कुछ बात ऐसी है कि बेटे जी चाचा जी कहो। चाचा जी वो बात यह है कि मेरी नई नई नौकरी लगी है तो ज्यादा पगड़ी तो मैं दे नहीं पाऊंगा और किराया भी मुनासिब समझे वो। बेटे पगड़ी तुमसे मांग कौन रहा है, जो मुनासिब समझना दे देना। शुक्रिया। बेटे जी कहीं शादी की बातचीत हुई? नहीं चाचा जी अभी तक नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। शादी माँ बाप की मर्जी से करना चाहते हो या अपनी पसंद से? वो क्या पसंद है तुम्हारी? लड़की कुछ पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, और जैसे बॉम्बे की लड़कियां होती हैं अगर जरा सी मॉडर्न हो तो अच्छा। आओ बेटे आओ। ओह आओ बेटे आओ, आ जाओ। आओ बेटे आओ, आओ ना। अरे शर्माओ नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। देखो ये तुम्हारी चाची है। नमस्ते। अरे अरे नहीं पहचाना? अरे वो डॉक्टर सिंगल थे ना, टंगर डॉक्टर, दिल्ली चले गए थे, ये उन्हीं के बेटे हैं। हाँ 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 बेटे आओ बेटे, बैठो बैठो बेटे आओ बेटे। हाँ हाँ हाँ। क्यों कैसा लगा घर? अच्छा है। अरे खड़ी क्यों हो? विनोद के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। हाँ जाओ जाओ। नहीं चाचा जी तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकलीफ कैसी, पहली बार घर आए हो? अरे जाओ ना, हमारा घर बहुत बड़ा है, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जी और सुनो, खाना हमेशा घर पर खाना, होटलों में खाने से तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। ला 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 ला। बेटे हमारे घर का रिवाज, जब कोई पहली बार आए तो शक्कर से मुंह मीठा कराते हैं। अच्छा चाचा जी अब मैं चलता हूँ, कल सुबह सामान लेकर आ जाऊंगा। हाँ जरूर बेटे जरूर। नमस्ते। मैंने छोड़ के आता हूँ, चल बेटे। अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ। बेटे कल आ ही जाना जी, रास्ता तो नहीं भूल जाओगे? नहीं चाचा जी, एक बार रास्ता देख लेता हूँ फिर कभी नहीं भूलता। नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। क्यों
कैसा लगा? अरे लेकिन ये है कौन, किसे घर में रख रहे हो? जवान लड़कियों का घर है, शादी वादी हुई या नहीं इसकी? अरे नहीं हुई, इसलिए घर में जगह दे रहा हूँ, नहीं समझे? अरे बैठो ना भाग्यवान, लड़का अपनी बिरादरी का है, अच्छा कमाता है, घर में रहेगा तो बात बन जाएगी। हाँ आज ही गुरुजी ने कहा था कि लड़कियों को जल्द वर मिल जाएंगे। बस समझ लो एक को तो मिल गया। हाँ। अरे तीनों में से एक तो पसंद आएगी। हाँ? ये तीनों है कहाँ? अरे नए कपड़े बनवाने हैं उनके लिए, देखो ना क्या बनी फिरती है। मैंने कहा थी लड़की हमेशा बनी सभी अच्छी। अरे मेरा जल्दी चल रहा जी, ये कल की शर्ट है। अरे मैंने कल लिया था 95 जी। इसका बॉर्डर इतना खूबसूरत है ना, वो वाला। वो देखना, वो नहीं नहीं ये अच्छी है, देखना क्या दिखाऊं, अमेरिकन जॉर्जेट, ये बताना जापानी जॉर्जेट, बनारसी या कांजीवरम? नहीं भैया कोई नए जमाने की चीज दिखाओ जो आजकल की मॉडर्न लड़कियां पहनती हैं। हाँ। अच्छा जी अभी दिखा देता हूँ तो। ये देखिए साहब। आहा हा बाला तेरे लिए ये अच्छी है। भाई साहब क्या कहते हैं इसे? जी मैक्सी। मैं तो इसको लूंगी जी। इसको क्या कहते हैं? जी जीन्स। अरे वाह ये तो मेरे पास बहुत अच्छी लगेगी, कल मैं इसको पहन के जाऊंगी। इसको क्या कहते हैं? नाइटी। इसे सिर्फ रात में और घर में ही पहनते हैं। ओहो पूरे एक महीने की कमाई और एक दिन में सफाई। चलो आओ अंदर। चलो 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 अंदर। क्या क्या सामान खरीद के लाए हैं? देखो देखो ये क्या है, क्या है, कैसे? अरे अब खड़ी खड़ी दांत से निकाल रही हो, चलो अंदर। अरे जाओ ना, तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। चलो 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 उठाओ सामान, उठा लो जल्दी उठा लो। लड़कियों के साथ बाजार जाना मुसीबत हो जाती है। क्यों डांटते हो? इधर आओ देखो लड़का नए जमाने का है, लड़कियों को जरा ढील देनी होगी। क्या? अरे मेल जोर बढ़ेगा तो लगाव बढ़ेगा। अच्छा समझी। हाँ, मैं तो सब करूंगी लेकिन पता नहीं भगवान कब सुनेगा। राधिके बाजे मुरलिया
बाजेगी कब शहनाई, मनवा बाट निहारे राधिके मुरली ना माने गाए तुझको पुकारे राधिके मुरली ना माने। अपनी करनी है या लड़कियों की? कहां चले बंठन के दूल्हा बन के? दूसरी शादी करने का इरादा है क्या? देवी जी, आप जैसी सुंदर स्त्री पाने के बाद मेरी मति मारी गई है कि मैं दूसरी शादी करूं। इस उम्र में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। जी, अपना तो जन्म जन्म का साथ है। अजी तुम कहां चले? जाने दो। ये बच्चे दो मिनट बात भी नहीं करने देते। और कितना टाइम है तुम लोगों के सिंगार में? माला, हाँ जी, जरा दया की माँ से अच्छे कप प्लेट ले आना, कहना कल लौटा देंगे। हाँ मीना, जरा वो छोटे को तैयार करना, देखो क्या बना घूम रहा है। अच्छा, चलो जल्दी करो जल्दी करो। देखो दीदी, मेरी नेल पॉलिश देखो। अच्छा, ऐसे तैयार होना कि जो देखे देखता ही रह जाए। नमस्ते माला जी। हाय, ये माला न जाने किसके गले का हार बनी। लीजिए बत्रा साहब। बाय द वे, कहां मकान मिल गया आपको? फ्लैट है या झोपड़पट्टी? फ्लैट ही है। वेरी गुड। कितना डिपॉजिट देना पड़ा? कोई डिपॉजिट नहीं देना पड़ा, वो हमारे जानकार निकले। क्या, कोई डिपॉजिट नहीं देना पड़ा? कमाल है यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके बाय। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया?
बच्चा नहीं है, सारे रास्ते जानता है, घबराओ नहीं, आता ही होगा। पिताजी हाँ वो आ गया। अरे तू कहाँ जा रहा है? नहीं मालूम नहीं उठेगा तो बैठ। नमस्ते। आओ बेटे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बाकी सामान कहाँ? नीचे है। नहीं चाचा जी बस इतना ही है, बाकी और अभी लेना है। अरे काहे का लेना है, ये घर तो तुम्हारा अपना ही है। आप क्या करें? अरे कोई बात नहीं, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विनोद आ गया। आओ बेटा आओ। नमस्ते चाचा। झुक झुक जियो, बैठो। ये सूटकेस किसका? अरे कमरे की बात क्या कर रहे हो बेटे, सारा घर तुम्हारा अपना है। ओ बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। सामान लो, रख दो ना। हाँ ले जाती हूँ। बेटे तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, रोज को उठना बैठना था। बेटे भाई साहब को नमस्ते करो। नमस्ते। इसका नाम राजू है, सबसे छोटा है ये। अच्छा राजू, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ नमस्ते करो। ये राजू की बहनें माला मीना और ये मालती है। आओ यहाँ बैठो, आ जाओ आ जाओ। और राजू तुम मेरे पास बैठ जाओ। शाबाश। बिल्कुल नए जमाने की लड़कियां हैं। अरे शर्माती क्यों, बैठ जाओ ना। सारा दिन फैशन ही फैशन में लगी रहती है। हाँ वो तो है, घर के सारे काम काजों में तीनों की तीनों एकदम होशियार हैं। अरे काहे की होशियार हैं, सिनेमा देखने से फुर्सत मिले तब तो घर का काम करें। सिलाई कढ़ाई भी सीखने जाती है। कॉलेज कॉलेज। अच्छा हाँ हाँ, कॉलेज तो जाना ही चाहिए। हाँ। अच्छा चाचा जी फिर मैं चलता हूँ, मुझे अब ऑफिस जाना है। अरे क्या बात रहे हो बेटा, खाना खाकर जाना, अभी तैयार होता है। हाँ ठीक ही तो कह रही है, खाना खाकर जाना। नहीं नहीं चाचा जी, आज पहला दिन है ना, मुझे ऑफिस में जाके सारा काम भी समझना है। अच्छा तो शाम को जल्दी आना, खाना यही खाना है जी। अच्छा नहीं नहीं चाचा जी आप बैठिए, मैं कोई बात नहीं। राजू बेटे जाओ भाई को बाहर छोड़ाओ। अच्छा नमस्ते। अच्छा अब ये फौज यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जाओ अपने कमरे में। अरे जाओ ना। सोना जी हा? तुम उसके सामने घर के कामकाज की बातें लेकर क्यों बैठ गई? तो मुझे और क्या बोलना चाहिए था? अरे बाबा नए जमाने के लड़कों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा मैं तो पहले से ही कहती थी, आप ही तो लगे हुए थे बच्चियों को सीता सावित्री बनाने के लिए। श्रीमती जी मौका देखकर बात करनी चाहिए, ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाँ एक बात और है। वो क्या? वो ऑफिस जाएगा ना। हाँ। वहाँ भी तो लड़कियाँ होंगी। ओहो तुम औरतों के दिमाग में तो शक घुसा रहता है। अरे पहले दिन ऑफिस जा रहा है, तुम्हारा ख्याल है कि जाते किसी लड़की से अटक जाएगा? जी हो सकता है, इनके अलावा इस सेक्शन में 7 आदमी और है। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली मेज पर मिस्टर भाटिया बैठते हैं, बहुत ही चालू आदमी है, जरा बच कर रहिएगा। अच्छा। उनकी बाईं तरफ मिस्टर सक्सेना बैठते हैं यानी के छोटे बाबू, दाहिनी तरफ पंडित जी बैठते हैं यानी के बड़े बाबू, घर से बीड़ी साथ लाते हैं लेकिन माचिस मेरी ही यूज करते हैं। कैश पर बैठते हैं मिस्टर जोग और उनकी बगल में मिस रूबी है। क्या? उनकी बगल वाली टेबल पर मिस रूबी बैठती है। अच्छा। काम वाम कुछ करती नहीं, सारा दिन बैठी हेराल्ड रॉबिन्स पढ़ती रहती है। और उसके अलावा इस सेक्शन में है मिस मंजू बंसल जो टाइपिंग का काम संभालती है, और एक मैं हूं जो सारा हाउसिंग सेक्शन संभालता है। तो चलिए चलिए ना, आप खुद ही देख लीजिए। ये है पंडित जी यानी बड़े बाबू, और ये है मिस्टर भाटिया वही। और ये है मिस्टर सक्सेना यानी छोटे बाबू, और ये मिस मंजू बंसल की सीट है जो छुट्टी पर है, और ये रही आपकी सीट मिस्टर जो, मिस रूबी, हेराल्ड रॉबिन्स। शांताराम फ्री की माचिस। माचिस लाओ साहब। सुबह सुबह माचिस कहाँ? नो एक्सप्लेनेशन, आई वांट मैच बॉक्स, अंडरस्टैंड? माचिस नहीं है सर, तिल चलेगा।
चलेगा। पंडित जी एक मिनट। शांताराम माचिस लाओ। साहब सुबह सुबह हमको भी एक सिगरेट दो ना। हाँ तो मैं कह रहा था आपकी सोसाइटी में कुत्ता मर गया है और आप उसे उठवाना चाहते हैं। उठ तो हो जाएगा ही लेकिन साहब हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, ये कोई एक डिपार्टमेंट का काम तो है नहीं, समझे? टाइम लगेगा टाइम। और अगर आप हमसे कहेंगे, हमारे लिए तो ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में करवा दूंगा, मेरे तो ये बाएं हाथ का खेल है। हेलो मिस रूबी। हेलो। मुझे कुछ टाइपिंग करनी है, बता सकती हैं टाइपराइटर कहाँ से मिलेगा? टाइपराइटर? लेकिन मंजू बंसल तो आए नहीं, टाइप कौन करेगा? नहीं नहीं टाइपिंग तो मैं खुद करूंगा। शांताराम साहब को टाइपराइटर दे देना। थैंक यू। हो जाओ शुरू। काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे ऑफिस के बाद मिलिए। ओके। अच्छा अच्छा बाय। क्या चाहिए साहब? काफी समोसा, चाय, थम्स अप? सिर्फ एक चाय। एक नहीं दो चाय और साथ में गर्मा गर्म समोसे भी। क्यों यार बिल्कुल अकेले बैठे हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो। मकान वकान तो मिल गया ना? अगर नहीं मिला तो हमको बोलो, दिलवा देंगे 2 मिनट में, हमारे तो बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम? मैं समझ। अच्छा अच्छा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे बस का काम नहीं, किसी लड़के को बुला लेते। अरे सब ठीक है। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाना। हैं? हाँ। क्यों हरा दिया ना? अरे चलो चलो खाना तैयार है। मेरा ख्याल है हमें माला के बारे में पहले सोचना चाहिए, है ना? अरे हाँ सोचना तो चाहिए लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है। अब देखना तो ये है कि इन तीनों में से उसे कौन सी पसंद है, जो भी उसे पसंद होगी हम उसकी शादी कर देंगे। क्यों जी, हमारी माला मीना मालती में से उसे कोई पसंद भी आएगी या कोई ऑफिस की? फिर बेकार की बातें कर रही है। मैंने ऑफिस में पूरी छानबीन कर ली है, सारे ऑफिस में एक ही लड़की है। हाँ? हाँ, और उसकी भी सगाई हो चुकी है। हाँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, नए जमाने का लड़का है, उसकी औभगत में किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। चाची जी आप उठ गए बेटा, भूख लगी होगी, नाश्ता कर लो। लेकिन मैं तो बिना नहाए कुछ खाता नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, नहा लो, गुसल खाना तैयार है। नहा लिया बेटा? जी हाँ नहा लिया। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं था ना? जी नहीं बिल्कुल ठीक था। तो चलो अपने कमरे में चलो। जी अच्छा। अरे माला मेरे कपड़े तुम ले गई थी? हाँ इस्त्री करने ले गई थी। क्यों अच्छी नहीं हुई है? बहुत अच्छी हुई है बहुत। ये जूतों की पॉलिश कैसी हुई है? लेकिन तुमने क्यों की? क्यों अच्छी नहीं हुई? नहीं बहुत अच्छी हुई है। ये हलवा है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, लो खा के देखो।
कैसा है? बहुत अच्छा है। जितनी अच्छी तुम हो उतना ही अच्छा हलवा है। क्या बात है गुप्ता जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कोई खास बात है? भैया दिन ही खुशी के हैं। आसे अन आसे आ इसे इमली ना तू उल्लू जो लल्लू लगे कैसा ये नाम ऐसे है एक अकेला में दुनिया के मेले में गा आसे अन आसे आ इसे इमली ना तू उल्लू जो लल्लू लगे कैसा ये नाम ऐसे है एक अकेला ए अकेले मेरे ले में दुनिया के मेले में गा के सुनाओ कासे है कोयल कुकू करती है कासे है कोयल कुकू करती है आमों में मीठा रस कूका करती है आमों को खा तू पेड़ मत गिन जैसे मेला फल मेहनत के दिन आएगा तुम्हारा भी एक दिन आसे अन आसे आ इसे इमली दे ना उल्लू जो लल्लू लगे कैसा ये नाम कैसे है एक अकेला अकेले मेरे ले में दुनिया के मेले में खा डरता है आसे है खरगोश शेर से डरता है और जैसे अपनी बीवी से मियां घबरता है जिसे मिले तू प्यार से मिल मांगो के फूलो जैसा तू खिल ताकि खुशी से गाए हर दिल आसे आसे आम इसे इमली नाम उल्लू जो लल्लू लगे कैसा ये नाम कैसे है एक अकेला ए हे अकेले मेरे ले में दुनिया के मेले में गा आसे आसे आम इसे इमली नाम आसे आसे आम इसे इमली नाम उल्लू जो लल्लू लगे कैसा ये नाम उल्लू जो लल्लू लगे कैसा ये नाम you
त्रिलोकी प्रसाद, तुम बेकार में इतना परेशान हो रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लो ठंडा जल पियो। अब तक कुल कितने रुपए तुमने मुझसे उधार लिए होंगे? 2000 के करीब। 5% के हिसाब से 2 साल का कितना ब्याज हुआ? त्रिलोकी, मुझे आज ही पूरी रकम चाहिए। त्रिलोकी, एक जवान लड़का उनके यहाँ आकर रहने लगा और मुझे पता नहीं लगा, जबकि तुम्हें पता था। पैसे लेने के लिए मेरे पास आकर घंटों मुंडी हिला सकते हो, लेकिन इसके लिए जरा सी जबान हिलाने नहीं आ सके। त्रिलोकी, ये लड़का उनके करीब का लौटा है। करीब का है, यही तो डर है। मैं करीब का नहीं, इसीलिए उन्होंने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? मेरी ओर ही तो देखते रहते हैं हमेशा, वो कितनी तारीफ करते हैं मेरी। क्या तारीफ करते हैं? अगर कह दिया कि माला चाय अच्छी बनाती है तो क्या ये कोई तारीफ हो गई? चाय तो कोई भी लड़की अच्छी बना सकती है। हाँ, बना सकती है, जरा तू तो बना कर दिखा ना। मुझसे तो वो साथ में एक बार सनीमा ले जाने के लिए भी कह रहे थे। पूजनीय भाभी, सादर नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप सबकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ। आगे आपका पत्र मिला, आपने जो लिखा है कि मेरा मन बंबई में इतनी जल्दी कैसे लग गया, क्या कोई लड़की पसंद आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ ये सब चाचा जी, चाची, माला, मीना, मालती सभी इतने अच्छे हैं कि पराया घर ही नहीं लगता। अब आगे रही लड़की की बात। क्यों जी, तुम्हारा दिल कहता है ना कि हमारे माला, मीना, मालती में से विनोद को कोई पसंद आएगी? हाँ, हंसता बोलता तो तीनों से है, मगर शादी तो एक से ही करेगा ना। जल्दी से मालूम हो जाए तो दूसरी दोनों की भी सोचे। तुम जी लड़कों की तलाश में रहना, आराम से ना बैठ जाना। पहले एक से तो बेफिक्र हो जाएं, अब देखते हैं किसकी किस्मत विनोद के साथ जुड़ी है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो हाउ आर यू? फाइन सर। और कैसे रहे तुम्हारे एग्जाम्स? बस सर, होप्स तो हैं। गुड लक, यू विल गेट योर प्रमोशन डेफिनेटली। वैसे मंजू, मैं ये नहीं चाहूंगा तुम्हारे बगैर हमारा डिपार्टमेंट सूना हो जाएगा। सर, डोंट वरी, यू विल गेट योर प्रमोशन। अच्छा सर, चलो। बहुत काम इकट्ठा हो गया है तुम्हारे लिए। डोंट वरी सर, यू विल गेट ऑल योर वर्क डन। हाँ जी, नोट कर लिया मैं। हेलो, आई एम मंजू बंसल। आई एम विनोद सिंघल। आई नो इट। आपका नाम सुना था। Really? हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। बहुत काम इकट्ठा हो गया आपके लिए। This shows my importance in the office. अच्छा? अच्छा। हाँ, क्या बोला? जिस काम को सांप 2 महीने में करेगा उसको हम 2 दिन में करेंगे, समझे? और जिसको वो 2 दिन में करेगा हम 2 घंटे में कर देंगे, और जो वो 2 घंटे में करेगा उसे हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे, और जो वो 2 मिनट में करेगा उसे हम 2 सेकंड में करेंगे, और वो जो 2 सेकंड में करेगा उसमें थोड़ा हमको जरा टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऑफिसर है, वो आएगा साइन करके चला जाएगा, हमको तो पूरी फाइल देखनी पड़ती है। आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। ओ पाटिया साहब, थोड़ा 3 महीने का बिल बाकी है पापा जी। मेरा बिल? हाँ जी। आज हो जाएगा, समझा करो। तू आज जल्दी ऐसा कर, 3 गिलास पानी भेज दे, 3 थम्स अप और 3 चाय बना। चेंगा। आज का कुछ स्पेशल बना तो जल्दी ले गया, समझा ना? चेंगा। मिस बंसल, लंच के लिए नहीं जाएंगी? सारा स्टाफ तो जा चुका है। नहीं, सारा स्टाफ तो नहीं,
आप भी तो स्टाफ में ही आते हैं। ओ, मैं भी बस जाने वाला था, आपको देखकर रुक गया। आप चली जाइए, मैं आज लंच नहीं लूंगी। काम क्या इतना ज्यादा है? नहीं नहीं वो बात नहीं, दरअसल सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था इसीलिए भूख नहीं है। ठीक है, हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। हैवी ब्रेकफास्ट क्या डिनर टाइम तक चलेगा? वो कैंटीन बंद हो रही थी इसलिए मैं चाय आपके लिए यहाँ ले आया। आपने तो सारा दिन चाय तक नहीं पी, लीजिए। ओह, थैंक्स। आपकी चाय कहाँ? पेट में, मैं कैंटीन से पीकर आ रहा हूँ। 50-50? नहीं, इस 50 से 50-50 नहीं बल्कि 150 हो जाएगा। मैं भी कैंटीन से कंप्लीट 100 पीकर आ रहा हूँ। लाइए, आपका कुछ काम मैं निपटाता हूँ, तब तक आप चाय पीजिए, काफी थक गई होंगी। आप क्यों तकलीफ करते हैं? तकलीफ किस बात की? Believe me, I'm a good typist. करो अपन जाता है ऑफिस बंद करके। ठीक है ठीक है, मशीनरी एंड चलिए आज बंद करते हैं, आप काफी थक गए होंगे। वाह, आप सारे दिन टाइप करते रही और अब तक नहीं थकी, और मैं दो घंटे में थक गया। और डोंट यू थिंक आई एम अ गुड टाइपिस्ट? नहीं नहीं, टाइप आप अच्छा कर लेते हैं बट यू आर नॉट अ टाइपिस्ट। चलिए अब चलते हैं। वो आपकी मर्जी। ओह, मेरी बस आ गई, मैं चलूं? अकेले ही? क्या तुम घर जाकर एक कप चाय भी नहीं पिलाओगी? ओह जरूर, चली ना। चला, नौकर चला। घर में पापा हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। आपने शायद नाम सुना हो, ओपी बंसल। सुना नहीं, पढ़ा है। इसके अलावा एक छोटी बहन है डॉली, स्कूल में पढ़ती है। और इसके अलावा आपकी मम्मी हैं और आप हैं, बस। आइए। दीदी, मेरी छोटी बहन डॉली। हेलो। आइए। माय पापा, मम्मी और पापा, आप मिस्टर विनोद, माय कलीग। ऑफिस में हम साथ ही काम करते हैं। अच्छा, कम मिस्टर विनोद, प्लीज हैव ए सीट। भाई मंजू, मिस्टर विनोद से हमें पहले क्यों नहीं मिलवाया? इन्होंने अभी हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया है, दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए हैं। ओ, जाओ भाई, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। आ डॉली, डॉली जाओ दीदी की मदद करो। तो मिस्टर विनोद, आप दिल्ली वाले हैं जी, पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट होगा ही, वहां के लोगों के सिर पर पॉलिटिक्स का भूत तो इस तरह सवार रहता है जैसे बंबई के लोगों पर फिल्मों का। बस ये इतना ही कि मालूम होता रहे कि देश में क्या हो रहा है। अरे मियां, ये तो बहुत हुआ, हमारे देश के तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी मालूम नहीं होता कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन विदेश की खबर सबको रहती है, है? लो चाय पियो।
मम्मी तुम नहीं मंजू, मैंने अभी तुम लोगों के आने से पहले पी है। अच्छा आप? पापा चाय नहीं पीते। तुम्हारा साथ मंजू और डोली देंगी, मेरे हिस्से की चाय दोनों ही पीती है। बिस्किट ला लीजिए। मेरी चाय? जी नहीं। अरे इसमें तो शक्कर नहीं है। वाह भाई विनोद, पूरी चाय खत्म कर गए, तुम्हें पता ही नहीं चला कि चाय में शक्कर नहीं है। बोझी मैं बिना शक्कर के चाय पीता हूं, और फिर कुछ मालूम ही नहीं पड़ा पॉलिटिक्स होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशंस। लेकिन भाई डिस्कशन में तो हम लोग थे, मंजू तो नहीं थी, फिर ये कैसे भूल गई है? मैं भी शुगर नहीं खाती। भाई हमारी चाय तो हो गई। Mm-hmm.
एक नहीं तीन है। तभी इतना ख्याल रखते हैं। चलो जरा देखो खाने पीने का इंतजाम ठीक है कि नहीं। देखो देखो जरा देखो। नमस्कार नमस्कार। अरे गुप्ता जी कहाँ हैं आप? बरात अब आने को ही है। अब तो अपनी सोसाइटी में शादियां ही शादियां हैं। आज मेरी बिटिया की, कल आपकी बेटियों की। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जल्दी आना भैया। अरे राम नारायण। चाची जी माफ कीजिएगा, मुझे ज्यादा देर हो गई। वो मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया था, खाना वाना मैं खा के आया हूँ। क्या बात है, आज मुझे कोई जगाने नहीं आया। इतना टाइम हो गया है और अब ऑफिस। चाचा जी क्या बात है? हाँ चाची जी बात क्या है? चाचा जी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। सामान अभी ले जाना तो ले जाओ, वरना पड़ोस में रखवा दूंगा, शाम को आकर ले जाना। आखिर बात क्या हुई वो बताओ। क्या बताऊं? मुझे मालूम हो तो बताऊं ना। सीधा नोटिस दे दिया मकान छोड़ने का, वो भी एक दिन में। अच्छा अब क्या सोचा है? सोचा क्या है, सोचना है। किसी गेस्ट हाउस में ही अब तो जगह मिलेगी।
इतनी जल्दी वो भी मिल जाए तो बहुत है। अच्छा ऐसा करते हैं, हाफ डे छुट्टी ले लेते हैं और दोनों चलते हैं जगह देखने। पत्थर के नीचे भी नरम जमीन हुआ करती है, लेकिन इन बंबई वालों का दिल न जाने किस चीज का बना हुआ है। दिल होता ही कहां है इनके पास। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग जाकर ले जाते हैं। हाँ, तुमको तो मजाक सूझ रहा है ना? ये 12वां गेस्ट हाउस है, अगर यहाँ भी जगह ना मिली तो भगवान जाने क्या होगा अपना। होगा क्या, हमारा घर तुम्हारा नहीं है क्या? कम से कम अभी तो नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम और तुम एक नहीं हुए हैं। अभी तो सिर्फ सिर्फ क्या? सारे लेडीज आर नॉट अलाउड यार। जी जी नहीं, रहना तो मुझे है, ये तो मेरे साथ ऐसे ही आई हैं। ठीक है जी, एडवांस दे दो जी, एड्रेस लिख दो जी, खाली होगा तो मिल जाएगा जी। देखो जी, चौकरी लेके घूमता जी, रूम दे दिया तो क्या होगा जी। मंजू ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा है, बंबई में मकान की प्रॉब्लम किसे नहीं आती। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे। पापा की बात छोड़ो, और देखना मम्मी को मैं मना लूंगी। बड़ी देर कर दी आज तुमने, क्या पिक्चर ली थी? नहीं मम्मी वो। कम विनोद कम, आज मैंने तुम्हारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रखी है। मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो। जो अमरीका कल तक पीएलओ का सबसे बड़ा हमदर्द था, आज उसने भी हाथ खींच लिया। भाई अमेरिका भी चाहता है कि गल्फ कंट्रीज पर उसका जोर बना रहे, नतीजा ये हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। अब सोचने की बात है। क्या बात है विनोद, लुकिंग वरीज, एनी प्रॉब्लम, टेल मी माय सन। पापा मैं बताती हूँ, दरअसल ये जहाँ रहते हैं ना, वो जगह इन्हें आज ही खाली करनी पड़ रही है। हमने काफी गेस्ट हाउसेज भी देख डाले, एक कहीं बेड तक की जगह खाली नहीं। पापा मैंने इनसे कहा है कि जब तक कोई इंतजाम ना हो जाए हमारे यहाँ रहो, बस ठीक तो है। कम ऑन माय सन, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू वरी अबाउट, वी शुड कंसंट्रेट ऑन सम इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। ओह थैंक यू सो मच पापा। विनोद आपका ही नाम है? हाँ, जी हाँ। गुप्ता साहब आपका सामान रख गए हैं, ले जाइए। हाँ तो निकल ले आप। टीपी यही पास में ही रहता हूँ परमानेंटली। अब तुम्हें कहाँ ठिकाना मिला? वो हमारे ऑफिस में एक मिस मंजू बंसल हैं, उनके यहाँ जा रहा हूँ। तो चक्कर चला लिया यार, न जाल है न कांटा, फिर भी मछलियां फंसा लेते हो। कोई मंत्र वंतर हो तो हमें भी बताओ। शादी के बाद ससुराल में जम जाने की रीत तो बंबई में है, पर तुम तो उससे भी आगे निकल गए, पहले ही घर में घुस जाते। मंजू तुम? हाँ मैं नहीं आ रही। तुम्हें भी तो नहीं आ रही ना विनोद, हमारे घर में जगह कम है इसीलिए। इसीलिए तो सब एक दूसरे के इतने करीब हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं मेरे आने से दूरी ना हो जाए। नहीं विनोद,
तुमसे फासले और भी कम होंगे। सचमुच? क्या तुम हमेशा हमेशा मुझे इतना ही प्यार करोगी? नहीं, थोड़ा सा और भी ज्यादा। वो भला क्यों? क्योंकि तब उसमें पत्नी का प्यार भी शामिल होगा। मंजू, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मेरे प्यार की सीमा है, और वो हो तुम, सिर्फ तुम। Thank you.
मंजू क्या सोच रही हो? सोच नहीं, देख रही हूँ। क्या? वो जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं उन्हें देखो तो सही। लगता है नई नई शादी हुई है, कितने खुश नजर आते हैं ना। दहेज में फ्लैट मिल गया होगा। अब तुम जरा अपने पीछे देखो। लगता है बहुत पहले शादी हुई है, कितना लड़ रहे हैं। हाँ, बेटी को दहेज में अपना फ्लैट दे दिया होगा। मंजू, बंबई आने से पहले मैं सोचता था कि आदमी मकानों को बनाते हैं, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि मकान भी आदमियों को बनाते हैं। जानते हो इस चीख का मतलब क्या है? क्या मतलब है? यही कि जो कुछ अभी तुम कह रहे थे वो सच नहीं है। और इस चीख का क्या मतलब है? कि टेरेस पर रातें गुजारना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा मंजू, चलो चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? गुप्ता जी, कभी तो प्यार से भी हमें देख लिया करो। आखिर आपके शुभचिंतक पड़ोसी हैं, कोई खानदानी दुश्मन तो नहीं? साफ साफ बताओ, चाहिए क्या? आप तो जानते ही हैं, हमारा तो जोरू न जाता खुदा से नाता। देखो, मेरी दुकानदारी खराब मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम आए किस लिए हो। अगर इतनी जल्दी है तो सुनिए, हम आए हैं यहाँ इस... देखो, बुरा ना मानना, ये बंबई है, यहाँ लोग दूसरे की इज्जत का मजाक उड़ाकर मजा लेते हैं। हम बेटी वाले हैं, रानी इसलिए चला आया। अभी तुमने धोखा खाया है, इज्जत नहीं गंवाई, संभाल लो। सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। दरवाजा खुला है, चले आओ। मम्मी, इन सब टैक्सी वालों को क्या हो गया है? कोई भी इस तरफ आने को तैयार नहीं। रख दे, वो तो एक कार वाले ने लिफ्ट दे दी, नहीं तो न जाने कैसे आते। तो बस से आ जाते। मम, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अचानक इससे क्या बात हो गई? पापा हम पर पहले इस तरह कभी नाराज नहीं हुए। मंजू, जानती हो आसमान पर बादल कब बनते हैं? जब जमीन पर गर्मी ज्यादा हो जाती है तभी। इससे पहले कि बरस जाए, चलो नीचे चलते हैं। हाँ।
आज पूछिए गुप्ता जी, हम तो पहले दिन ही उसकी निगाहें देखकर पहचान गए थे कि उसके इरादे क्या हैं। लेकिन आप लोग तो उसके भोले भाले चेहरे पर गए और धोखा खा गए। आपने तो कभी हमको अपना समझा ही नहीं, तो फिर किस मुंह से आगाह करते। खैर, जो होना था हुआ। नहीं, जो नहीं होना था वो हुआ, और जो होना है वो अब होगा। दर्दर की ठोकरें ना खिलाई तो मेरा नाम भी शिव प्रसाद गुप्ता नहीं। यस प्लीज, आई एम विनोद सिंघल। मुझे कुलकर्णी साहब ने भेजा है, वो उन्होंने आपसे मकान की बात तो की होगी। आर यू मैरिड? जी नहीं। ओ, शी इज माई कलीग। तो ठीक है, 750 रुपया भाड़ा होगा और 11 महीने का डिपॉजिट देना होगा पहले एडवांस में। I don't believe this. कम से कम आज तो हो ही नहीं सकता। चलो विनोद, तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम हुआ है कि नहीं? जी, अभी तक तो नहीं, कोशिश कर रहा हूं। पापा, हम तुम चुप रहो, मैं सिर्फ विनोद से पूछ रहा हूं, कब तक हो जाएगा? ओ जी, मैं कल फिर जाऊंगा। कहां? पापा, तुम चुप रहो। बता भी दो ना, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? विनोद, इनका एक दोस्त 1 साल के लिए सऊदी अरब जा रहा है। इन्होंने उनका फ्लैट तुम्हारे लिए मांग लिया है। कोई डिपॉजिट भी नहीं है और किराया भी जो जी चाहे दे देना। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि इतने बड़े मकान में तुम अकेले कैसे रहोगे? इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। मैं आज ही तुम्हारे पिताजी को खत लिख देता हूँ। लो भाई, अब मंजू हमारी हो गई। चल भाई, बजाए। समझी, गले मिलने। वंशल साहब, बड़ा ही मुबारक दिन है, मुबारक हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब से पहली बार तुम्हें दुकान में देखा है तब से। तो फिर पिताजी से आके बात क्यों नहीं करते? नमस्ते गुप्ता जी, नमस्ते। ये क्या चाहिए? अरे गुप्ता जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं डॉक्टर सिंघल, विनोद का पिता। मैं विनोद का छोटा भाई हूँ, उनकी शादी 7 तारीख की तय हुई है, जरूर आइएगा। लीजिए, शादी पर जरूर आना। क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? हमारी माला मीना मालती के लिए सिर्फ विनोद ही रह गया है, उसे 10 गुना ज्यादा अच्छे लड़के मिलेंगे।
तुम सब मुझ पर छोड़ दो, फिर देखना लड़कियों की शादियाँ कैसे नहीं होती। अरे लड़कियों की शादियाँ तो होती रहेंगी, पहले तो मुझे ये देखना है कि उस विनोद के बच्चे की शादी कैसे होती है। धोखेबाज कहीं का। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। आप आ जाइए, अभी आ जाइए। अरे मंजू, तुमने मिस्टर रामनाथन की फाइल तैयार की या नहीं? रामनाथन? ओ माय गुडनेस, ये शांताराम भी आइए। वैसे सारा काम तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आपको विनोद से ही मिलना है तो वो रहा विनोद। मिल लीजिए, मिल लीजिए, हो चुका काम। शांताराम रुको, सुनो। अरे मंजू, आजकल तुम्हें विनोद के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, कब शादी हो रही है? बहुत जल्दी, एहसान फरामोश धोखेबाज, तुझे मालूम हो जाएगा कि शिव प्रसाद गुप्ता क्या कर सकता है, कितना खुला बना बैठा है। अरे चाचा जी, आप यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ, क्या लेंगे आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक तो है ना? जी हाँ। अच्छा मकान तो मिल गया ना? जी हाँ, बड़ों का आशीर्वाद है। सो तो है ही बेटो, तुम्हारी शादी का निमंत्रण कार्ड मिला था, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आप जरूर आइएगा। अरे क्यों नहीं, तुम्हारी शादी हो और हम लोग नहीं आए। आखिर बंबई में पहला सहारा तो हम ही लोगों ने तुम्हें दिया था ना? जी हाँ वो तो है बेटे जी। दरअसल मैं एक छोटे से काम के लिए आया था। हाँ हाँ चाचा जी बताइए। वो क्या है कि मुझे एक बिल जमा कराना है 500 रुपए का। जी अब देखो ना, यहाँ जमा करने का टाइम और मेरी दुकानदारी का टाइम एक है, मेरे लिए जरा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारे पास कल 11 बजे 500 रुपए छोड़ जाऊंगा, तुम जमा करा देना और रसीद मेरे घर पे दे देना। चाचा जी आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं अपने पास से जमा करा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं जरूर आऊंगा 11 बजे, कहीं जाना नहीं। विनोद सिंगल। किस डिपार्टमेंट में है वो? हाउसिंग सेक्शन। तो तुमसे 500 रुपए रिश्वत मांगता है? जी हाँ, मेरी वाटर टैक्स की फाइल गायब करने के बदले में। दिस टाइप ऑफ ए पर्सन मस्ट बी बिहाइंड द बॉस। ओके, आई विल सी हिम। मिस्टर गुप्ता, कल आप ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाइए। जी, हम लोग पहले से वहां मौजूद होंगे। हमारे निशान लगाए हुए 500 रुपए का नोट तुम उसे देना, हम फौरन उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। चोर पकड़ा गया, आहा पकड़ा गया। टोली की बच्ची शैतान कहीं की बड़ी चलाक हो गई है। थोड़ी चलाक, खेलना बंद करो, काफी रात हो गई है। याद है मंजू, कल सुबह तुम्हें रत्ना से मिलने भी तो जाना है। ओ हाँ, अच्छा याद दिला। भूलना नहीं, उसके कई टेलीफोन आ चुके हैं। हाँ रत्ना मेरी बचपन की सहेली, अंधेरी में रहती है, कल स्टेज जा रही है ना, उसी को सी ऑफ करने जाना है। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट टॉली। गुड नाइट चीजा जी। फरामोशी का नतीजा क्या होता है ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा। रत्ना तुम्हारा इंतजार कर रही है।
मेरी इतनी प्यारी सहेली स्टेज जा रही है और मैं नहीं आती तो तू इसलिए आई है कि मैं स्टेज जा रही हूँ। तू अमेरिका के बजाय अफ्रीका भी जाती ना तब भी मैं आती। ओह लव यू मंजुकम। अच्छा और सुना था विनोद के बिना रातें कैसे कटती हैं? दिन में तो तुम दोनों साथ ही रहते हो। पहले तू बता नवीन के बिना इतने दिन कैसे रहेगी वहाँ? अपन यार अपन तो बिंदास आदमी है, कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे। तू तो जानती है यहाँ नवीन वहाँ नवीन क्यों ठीक है ना। विनोद ऐसा लड़का नहीं हो सकता। चटर्जी साहब हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है। आई नो मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन विनोद ऐसा नहीं हो सकता। लेट अस सी। चटर्जी दिस इज नॉट फेयर। सुनो यस सर, इस आदमी को किसी तरह शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। ओके धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद तो भगवान को दीजिए कि उन्होंने अनहोनी टाल दी। हाँ बेटे समझी का तो खेल है। चलो मैं। अच्छा मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ जा रही हूँ, आपको किस तरफ जाना है? हाँ बेटे मुझे वहीं जाना है। ओह तो एक ही टैक्सी से चले? हाँ चलिए। अरे ये क्या, ये आपका तो नहीं? हाँ बेटे है तो मेरा ही। चले What do we do now, sir? Wait. कहीं काम करती हो? जी हाँ। बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। इससे शादी ब्याह में आसानी हो जाती है। पिताजी क्या काम करते हैं? पत्रकार हैं। तुम्हारे भाई बहन कितने हैं? हम सिर्फ दो बहनें, दूसरी मुझसे छोटी है। मेरी तीन लड़कियां हैं, बस तुम्हारी उम्र क्यों? तब तो आपकी तीन नहीं चार बेटियां हो गई। बेटे तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? होने वाली है। तय हो गई? हाँ। आप आएंगे शादी में अंकल? तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। मैं जरूर बुलाऊंगी।
सुबह के वक्त होता ही है ट्रैफिक ज्यादा। हाँ हाँ वो तो है ही। तुम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती हो? हाँ। वहाँ एक लड़का है विनोद सिंगल, तुम उसे जानती हो? अच्छी तरह से। अच्छी तरह से? उन्हीं से तो शादी होने वाली है मेरी। संबंध है मेरा उसके साथ। तब तो आपको शादी में आना ही पड़ेगा, विनोद के लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। क्या मैं आपकी बेटी नहीं? अच्छा अंकल, आपकी बेटी नाम क्या क्या है? माला, मीना, मालती और मंजू। मंजू? हाँ मेरा नाम मंजू है, देखा सब मा मा मा, माला, मीना, मालती और मंजू। हाँ। अच्छा अंकल, आपकी बेटियों की शादी हो गई? नहीं, हाँ एक ही होने वाली है, मंजू की। सर, यस, 11 बजने वाले हैं, सेठ जी अभी तक नहीं आए। वो जरूर आएंगे। यही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितने पैसे हुए ड्राइवर? नहीं नहीं, रहने दो बेटे, जब अंकल कहा तो उसका अधिकार भी तो दो। बिल मैं दे दूंगा। देखो तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है। अच्छा, तुम जाओ, मुझे किसी का इंतजार करना है। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। शादी में आना मत भूलना अंकल। हाँ। कहीं पैकेट भूल से लेके गई, लीजिए। कोई बात नहीं बेटे, भूल तो इंसान से हो ही जाती है। जाऊं? मनवा तोरी था ना जाने कोई। क्या बात है साहब? ठीक है, वापस ले चलो। उतरना नहीं है? नहीं, अब नहीं उतरना। अच्छा ठीक है। क्या लीला है तेरी, कभी तो अपने भी पराए और कभी पराए भी अपने। अरे तू? वाह प्रभु वाह, अजब तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। क्यों जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई लड़का मिला? लड़की मिल गई। लड़की? हाँ, मंजू। कौन मंजू? एक बड़ी अच्छी लड़की है, उसी के साथ शादी हो रही है अपने विनोद की। नाम मत लो उस धोखेबाज का। भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जीवन मरण, शादी ब्याह, ये तो सब विधाता के हाथ है, इसमें इंसान का कोई बस नहीं। लड़कियां कहाँ हैं? क्यों? अरे भाई, उनको नए कपड़े दिलवाने हैं, विनोद की शादी पर जाना है ना।
मिस्त्री साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शादी में शामिल होने के लिए तो मैंने अपना गोवा का टूर कैंसिल करा। बड़ी कृपा की आपने, प्लीज तशरीफ रखिए। आइए गुप्ता जी आइए। नमस्ते भाभी जी। गुप्ता जी ये बंसल साहब है हमारे समधी, और बंसल साहब ये गुप्ता जी है हमारे बड़े अच्छे दोस्त। विनोद को इन्होंने तो अपने यहाँ रखा था। हम पहले भी मिल चुके हैं। जी हाँ आइए 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 आइए। नमस्ते जी। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो जीते रहो। नमस्ते। अरे भाई गुप्ता जी इतने छोटे तोहफे से काम नहीं चलेगा। मंजू का कहना है तो आपसे तोहफा लेगी तो कोई बड़ा ही तोहफा लेगी। हाँ अंकल, मंजू को तोहफे में आपसे देवानी चाहिए, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई और भी तो है विनोद के अलावा। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं अंकल? हाँ बेटे। तो मेरी इतनी बात रख लीजिए। पिताजी। क्या बात है बेटी? माला की शादी आप पहले कर दीजिए। लेकिन तू उससे बड़ी है, तेरी शादी पहले होगी। नहीं मैं महेंद्र आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अरे बेशरम तू क्या बोल रही, शर्म नहीं आती तुझे? वाह शोभा क्यों बिगड़ रही हो? बेटी हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, तुम जो चाहोगी वही होगा। राम राम जजमान। राम राम। आइए महाराज आइए। तीनों कन्याओं के कह कट गए जज्बात, देखा जब और तब भी कितना भल होता है। अब तो ऐसा उनार कमाऊ और लाखों में एक लड़का देखा है कि आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। वाह वाह वाह। ये देखिए जज्बात, ये देखिए। रूपम दै जयम दै यशो दै यशो जय। ओम नमस्कंडिकाय नमः। ओम नमस्कंडिकाय नमः। ओम नमस्कंडिकाय नमः दै सुभाग्यम मरो परम सुखम। ओम नमस्कंडिकाय नमः दै सुभाग्यम आरोग्यम दै मे परमं सुखम। रूपम दै जयम दै यशो दै यशो जय। ओम नमस्कंडिकाय नमः दै सुभाग्यम आरोग्यम दै। ओम नमस्कार। ओम नमस्कार। ओम नमस्कार। Yes, ready. Ready, one, two, three. विवाह का आधार स्वार्थ नहीं प्रेम होना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य भोग नहीं आत्मा का विकास है।